सलमान खान के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में बिग बॉस 14, राधे, टाइगर पार्ट 3, किक 2, तभी ईद कभी दिवाली और गन्स ऑफ नॉर्थ शामिल हैं। मगर पिछले कुछ टाइम से जो हाल देखने को मिल रहा है उससे ऐसा लगता है कि सलमान के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पर खतरा मंडरा रहा है, और वो खतरा है सुशांत सिंह राजपूत के गुस्साए फैंस। अब ये बात किसी से छिपी नहीं है कि सुशांत के लिए जस्टिस की मांग कर रहे फैंस ने सड़क टू की कैसी धज्जियां उड़ाई कि इसका ट्रेलर भी मोस्ट डिसलाइक ट्रेलर बन गया। ऐसे में सड़क टू का हाल देखकर अब बड़े बड़े स्टार्स के फ्यूचर पर खतरा जरूर मंडरा रहा है कि कहीं अब गुस्साए फैंस बड़े बड़े स्टार्स की फिल्मों को लेकर ना विरोध शुरू कर दें। और रही बात सलमान खान की, तो उनके साथ ये शुरू भी हो चुका है, और इसका सबूत तब देखने को मिला जब लॉकडाउन में अपने फार्म हाउस में फंसे सलमान खान ने खेती करते हुए अपनी पिक्स डालनी शुरू की। लोगों ने बुरी तरह सलमान को खरी खोटी सुनाई और तो और उनकी फिल्मों को भी बॉयकॉट करने की मांग शुरू कर दी। वहीं इसके बाद जब लॉकडाउन के दौरान सलमान ने बीइंग ह्यूमन के मास्क लॉन्च करने की बात अनाउंस की तो लोग कुछ सुनने को राजी ही नहीं हुए, उन्होंने तो सलमान पर जमकर गुस्सा किया। तो वहीं सलमान के शो बिग बॉस 14 को तो लोगों ने बॉयकॉट करने की मांग ही कर डाली है, यानी सलमान को लेकर अब माहौल बहुत सीरियस हो चुका है। हालांकि सलमान के पास उनके फैंस का सपोर्ट तो है, मगर सुशांत वाले मैटर के बाद अब लोगों का मन बदल चुका है। अब वो खान और कपूर नेपो किड्स की फिल्मों को बॉयकॉट करने पर आमादा है और अब वो आउटसाइडर स्टार्स को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में सलमान खान की आने वाली फिल्मों को लेकर टेंशन का माहौल तो बन ही गया है। खैर, सुशांत के फैंस यही चाहते हैं कि उन्हें इंसाफ मिले और उनके साथ साजिश करने वालों को जल्द से जल्द कानून सजा दे। मगर तब तक एक बात तो साफ है कि अब किसी बड़े स्टार को लेकर लोगों में हमदर्दी कम और गुस्सा ज्यादा है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल